हेलो बच्चों, मैं हूँ वर्षा सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल का टॉपिक पढ़ा रहे थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो नाइन्थ हाई स्कूल और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तीनों में आपका यूजफुल है, उसको आप लगाइए। अब आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द सर्कुफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर वीसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, लॉजिक समझिएगा। दिस सर्कुफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द राइट सर्कुलर विसल, एक राइट सर्कुलर विसल है, तो सबसे पहले तो आपका फिगर पर ले रहना है, उसे कहते हैं लंब द्वितीय बेलन। आपका इसका सर्कुफ्रेंस है, सर्कुफ्रेंस ऑफ बेस का फार्मूला होता है 2πr बेटा देख दे रखा आपका 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट, इसकी हाइट जो दे रखी है वो आपकी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, उसमें कुल कितना पानी आ सकता है, आ सकता है तो हमें क्या लाना है, उसका वॉल्यूम लाना है। क्या लाना है बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको ध्यान देना है, वॉल्यूम लाने के लिए पहले हमें एच तो फाइंड है, हमें क्या लाना पड़ेगा भैया। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, 25 क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर आपका जो दे रखा है वो दे रखा है एच, क्या दे रखा है। तो इसके लिए पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, आर। जो आर दे रखा है, जब ये आपको दे रखा है, सर्कुफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर विसल, इसकी बेस सर्कुफ्रेंस जो होती है पूरे एक चक्कर लगाने से कहते हैं, उसी को कहते हैं आधार की परिधि, हिंदी में कहते हैं आधार की परिधि। तो 2 है, पाई की वैल्यू हम 22/7 रख सकते हैं और आर दे रखा है आपका 132, तो आर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 132 × 7/2 × 22। ये डिवाइड में होता मल्टीप्लाई में, इसी को कहते हैं इंटरचेंज करना, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन करना। 2 से सॉल्व कर दिए, पहले 3 जर, तो R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 21 यूनिट की आ जाएगी सेंटीमीटर। तो ये आपके R आ गए। अब हमें लाना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू आपकी दे रखी है 21, अभी आपकी फाइंड की है 21 × 21 × H, H की वैल्यू आपकी दे रखी है 25, 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 22 × 3 × 25 × ये, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, यो भी आंसर आया आपका। तो अब इसको हम यूनिट में कैसे चेंज करेंगे या कर ही देते हैं आपके लिए, क्योंकि आप हाई स्कूल में हो तो आपको पहले थोड़ा सा इजी करा देते हैं। पहले इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 66 आ गया। 25 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 5 × 5। अब इसका हम 5 × 5 का मल्टीप्लाई जो करेंगे वो हम करेंगे 66। इसका वॉल्यूम जो आया है वो 34650 यूनिट जो दे रखे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपसे सिर्फ वॉल्यूम पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, सिर्फ वॉल्यूम क्या आया था, तो आपका ये आंसर आ गया। लेकिन उसको उन्होंने कहा क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स, इसको किससे में हमें कन्वर्ट करना है, लीटर में। अब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है वो समझिए। अब आपको यूनिट आपको एक याद रखनी है, नाइन्थ में जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको यूनिट दे रखी होती है, हाई स्कूल में आपको याद करनी है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर, ये आपकी यूनिट है, आपको याद करनी है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू आपका आएगा 1/1000 लीटर और कितने सेंटीमीटर क्यूब है, 34650 सेंटीमीटर क्यूब
के लिए होगा 34650 अपॉन कितना 1000 यूनिट आपकी आ जाएगी लीटर में, इसको डिवाइड करेंगे 3 डेसिमल ट्रांसफर हो जाएगा 34.65 कितना लीटर, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको कितने स्टेप में आपको करना है बस आपको याद रखना, पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल विसल, एक रफ चित्र आपको बनाना है, एक सिलेंड्रिकल विसल है, एक बर्तन है बेलनाकार, उसका पैरामीटर ऑफ बेस, पैरामीटर ऑफ बेस क्या है, बेस किस शेप का होता है, सर्कुलर सर्किल होता है, वृत्त, उसका फार्मूला होता है 2πr = 132। इससे हमें क्या फाइंड किया हमने, आर, पहला तो काम ये हो गया। अब उसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स वाटर कैन इट होल्ड, उसमें कुल कितना पानी आ सकता है, उसका आयतन कहिए या धारिता कहिए या कैपेसिटी कहिए, तो वॉल्यूम लाने के लिए पाई आर स्क्वायर एच, आपको ये फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच हमने वैल्यू रख दी तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कैपेसिटी पूछी है लीटर्स में, तो सेंटीमीटर में यूनिट आपकी होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर, ये आपको याद रखना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू यूनिटरी मेथड लगा दिया, आपका आंसर आ गया। अब आपका पहला क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया, अब हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, हम आपको दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, इन मेटलिक स्फीयर ऑफ द रेडियाई ऑफ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर द मेल्टेड टू द फॉर्म ऑफ द सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। बस आपको प्रैक्टिकली आपको समझना है, 3 स्फीयर है, ये आपको जो फिगर होता है वो रफ फिगर होता है, इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना रहा है। इसकी रेडियस जो आपकी दे रखी है वो दे रखी है R1, आपको हमने कह दिया 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस आपकी दे रखी है R2 दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और इसकी दे रखी है R3 जो दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इससे एक बड़ा हम क्या है रेडियाई बना रहे हैं, यानी कि स्फीयर बना रहे हैं, इसकी कैपिटल हमने क्या मान ली, कैपिटल आ लानी है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, तो रेडियस आपको क्या होता है पता है आपको, स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है गोला, 3 छोटे छोटे गोलों को मिलाकर एक बड़ा गोला बना रहे हैं उसी को कहते हैं स्फीयर। अब इसका क्या, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपको फिगर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 4/3 πr³ या R1³ हो जाएगा, 4/3 π R2 का होल क्यूब प्लस 4/3 π R3 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक बड़ा स्फीयर जो बना है उसकी हमने क्या रेडियस मानी है, कैपिटल R। जब किसी चीज़ को हमने आपको बताया है पिघलाना है या मेल्ट करना है या उसी को रिकास्ट कहते हैं हिंदी में कहते हैं बदलना है, तो उन तीनों के वॉल्यूम, इन तीनों वॉल्यूम को मिलाकर एक बड़ा सा वॉल्यूम बना रहा है, ये चीज समझ में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4/3 π R1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 6³ 4/3 π R2 जगह हम रखेंगे 8³ प्लस 4/3 π R3 की जगह रखेंगे हम 10³ इज इक्वल टू 4/3 π कैपिटल R³। देखिए टीचर बच्चा कहता है यहीं पे वैल्यू रख दो, लेकिन हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे लिए और टाइम बर्बाद होगा। यहाँ से देखिए पहली चीज़ कॉमन क्या आ रही है, 4/3 π कॉमन आ गया, अंदर बच्चा 6³ प्लस 8³ प्लस 10³ इज इक्वल टू 4/3 π कैपिटल R³। हमें क्या फाइंड करनी है वो ध्यान रखना है। अब हमने इंटरचेंज करके इधर ले आएंगे, 4π/3 इधर आपका 3 आ गया, इधर आ गया 4 × π। अब यहाँ पे आ गया 6³, 6³ आपको पता है 6 × 36 होता है, अब 36 को 6 से कर देंगे 216, तो 6³ होता है 216, अगर आपको याद है तो इजी हो जाएगा, लेकिन हम आपको बोर्ड सॉल्व करा रहे हैं तो 8³ लाना है, तो 8 × 64 होता है, फिर मल्टीप्लाई कर दो 512। अब 10³ आपको आसान है, 1000 हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच्चा आपका R³, रेडियस लानी है, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 से ये सिंप्लीफाई कर दिया, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000
512 एंड 216, 8 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया। तो आर क्यूब इज इक्वल टू आपका आया, आर क्यूब इज इक्वल टू आपका आ गया 1728। अब 1728 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यू रूट। अब क्यू रूट कैसे निकालना है, अब आपको फैक्टर करना है। 1728 के फैक्टर करोगे, अब ये किसका होता है, 6 का डायरेक्ट आपको पता है, 6 36 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 6। क्यू रूट का मतलब तीन तीन का पेयर बनाते हैं, आपने क्लास 8 में पढ़ा है। इसको हम लिख सकते हैं आपका आर इज इक्वल टू क्यू रूट, जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो वो देख लो, 2 × 2 × 2 × 6 × 6 × 6। ये तीन तीन का पेयर बनाया है, ये बाहर आ गया, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर है, बस ये यूनिट याद रखना, यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, यूनिट नहीं पता है, जब किसी भी चीज़ की साइड हो या डायमीटर हो, वो आपके क्या होगी, आपके सेंटीमीटर या मीटर में, एरिया किसी का भी पूछे तो वो आपका होगा स्क्वायर में, और वॉल्यूम किसी भी चीज़ का हो तो वो होगा क्यूबिक में। इतना क्लियर हुआ? अब आपको फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लिए, ए मेटलिक स्पेयर ऑफ द रेडियाई ऑफ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर द मेल्टेड इज द फॉर्म ऑफ द सिंगल सॉलिड स्पेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर। तीन छोटे छोटे गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना रहे, जब पिघलाना कहे या मेल्ट करने तो उसका वॉल्यूम है। ये हमने इन तीनों का वॉल्यूम को ऐड किया, एक बड़ा स्पेयर बना दिया, हमने कॉमन ले लिया, ये आपका प्रोसेस हो गया, आपका आंसर आ गया। ये चीज समझ में आई? अब आपको तीसरा क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस टू लिविंग इन द प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर स्क्वायर है, इस पर आप ध्यान देना है पहली चीज। अब यह रोलर जो है, रोलर किस शेप का होता है, आपका रोलर जो है आपका मार्कर शेप में होता है, देखा आपने अगर रोड रोलर देखा होगा, रोड रोलर जो आपका है वो इस ये चीज है आपकी, इसका आपका दे रखा है डायमीटर, डायमीटर ऑफ रोलर जो दे रखा है वो दे रखा है 84 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है या लेंथ कहिए, लेंथ और हाइट में क्या फर्क होता है वो आपको पहले बताते हैं। बच्चे उस चीज में मत खाते, सारा आपने लेंथ बताई थी, हाइट बताई थी, लेंथ तो बताई नहीं है। तो लेंथ क्या होती है, अगर ये मार्कर अगर ये लेटा हुआ है तो ये उसकी होगी लेंथ, अगर ये चीज खड़ी है तो हाइट, बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक रोलर है तो यहां पे आपको क्या है, स्टार्टिंग करते हैं डायमीटर, भाई आपका क्या क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ रोलर, रोलर किस शेप का है आपको पता है, डायमीटर ऑफ रोलर, रोलर किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल आपके दिमाग में आ गया, डायमीटर ऑफ सिलेंडर आपका दे रखा है 84 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर है तो उसको पहले में मीटर में बदलना पड़ेगा, तो आ जाएगा 84/100 किस में आ गया, मीटर में, क्योंकि आपको यूनिट पाती है, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। जो छोटी छोटी यूनिट होती है, जो 6 7 आप पढ़ते हो तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इससे पहले वाले में हमने लीटर बताया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपका हो गया डायमीटर, तो अब जब डायमीटर हो गया तो रेडियाई कितनी हो गया, रेडियस ऑफ रोलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84/100 × 1/2 किस में हो गया, यूनिट में, सॉल्व कर दिया हमने तो आ जाएगा, और हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अभी आप आगे सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ये रेडियाई हो गया, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइट, हाइट कही है या लेंथ कही है, यहाँ पे अगर हाइट लिखी है तो हाइट लिख दिया, अगर लेंथ है तो लेंथ, लेंथ ऑफ द रोलर इज इक्वल टू दे रखा है आपका कितना है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर को हम किसे बदल लेंगे, 100 से डिवाइड करके किसे बदल लेंगे, मीटर में, तो 112/10 कितना आ जाएगा मीटर। अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी सॉल्व हो जाएगा। ये कह रहे हैं 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन,
अगर वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, अगर एक रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है पूरा चक्कर लगाना, कैसे है वो बताते हैं। तो उसमें एक एरिया कितना कवर करेगा, जैसे ये मार्कर है हमने आपको बताया था, जो फार्मूले बताए थे, अगर ये एक राउंड लगा रहा है तो वो उसके क्या होता है सरफेस एरिया के बराबर होगा, किसके बराबर होगा सरफेस एरिया। तो एक राउंड होता है तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πRh, या इसी को हम कहते हैं πdh, दोनों में आप कोई भी लगा दो, ये हम रेडियस ला सकते हैं, लिया है तो इसी का हम लगाएंगे क्या 2πRh, क्योंकि आपने r की वैल्यू निकाल दी है। तो 2 आपको पता है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर की वैल्यू आपने अभी निकाली है कितनी आई है 42/100 इंटू एच, एच आपकी आई है 12/10, ये यूनिट जो आई है वो आपकी आई है कितना मीटर स्क्वायर। तो इसका ये मतलब हुआ एक वो राउंड लगा रहा है, अगर एक राउंड लगा रहा है तो इतनी जगह को क्या कर रहा है वो प्लेन कर रहा है, समतल कर रहा है, बराबर कर रहा है। और कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने हैं हमको 500, जब एक रिवॉल्यूशन में इतना कवर कर रहा है तो 500 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा, ये आपको क्या लगा होगा यूनिटरी मेथड, ये आपने बचपने से पढ़ा है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन है अगर 500 रिवॉल्यूशन में कवर करेगा तो कितना आ जाएगा 500 × 2 × 22/7 × 42/100 × 12/10, ये जो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, जीरो से जीरो, दो जीरो काट दिया हमने, सेवन से कर दिया, अब 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब आपका जो बचा है वो आप लिख दिए 22 × 6 × 12, ये किस में आ गया मीटर स्क्वायर में, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 132 × 12, अब मल्टीप्लाई कर दिया, 132 का हम किससे करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर एट फाइव वन, तो आंसर आपका आया 1584, यूनिट क्या हो गई मीटर स्क्वायर, ये चीज आपका आंसर आया 1584 मीटर स्क्वायर। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लिया क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर, एक बेलनाकार रोलर है, रोलर किस शेप का होता है बेलनाकार, उसकी आपकी डायमीटर दे रखी, डायमीटर का मतलब व्यास, तो डायमीटर जब दे रखा हो तो फौरन हमें क्या निकाल लेना रेडियस, लेंथ दे रखी है, लेंथ को ही हम क्या कहते हैं हाइट, अगर ये चीज लेटी हुई है तो लेंथ है, अगर खड़ी है तो हाइट, तो आपका आ गया हमें बस आंसर किस में लाना है मीटर स्क्वायर में, इसलिए हम रोलर के डायमीटर को हमने मीटर बदल लिया, रेडियस आपकी आ गई डायमीटर बाय 2, क्योंकि आपको फार्मूला पता होता है रेडियाई इज इक्वल टू होता है डायमीटर बाय 2। भाई आप मेंस्ट्रुएशन हम लोग से पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं, तो इसको आप जितना है इसका पहले सबसे पहले फार्मूला देखिए, तो हमने वीडियो हमने फार्मूले के डाले, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब लेंथ आपकी आ गई, तो हमने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो लगाता है वो क्या लगाता है 2πRh, वो हमने निकाल लिया। अब कितने रिवॉल्यूशन लगा रहे हैं 500 लगा रहे हैं, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया, ये चीज समझ में आई। अब आपको हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, पढ़िए क्वेश्चन, ए सॉलिड स्फीयर एंड द सॉलिड हेमी स्फीयर हैव द सेम टोटल सरफेस एरिया, एक स्फीयर है और एक हेमी स्फीयर है, उनका टोटल सरफेस एरिया क्या है इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम, उन दोनों के आयतनों का अनुपात लाना। अब पहले एक रफ चित्रा बना लिए, एक स्फीयर है और एक हेमी स्फीयर है, हमको ये तो नहीं बताया इसी स्फीयर को काट कर हेमी स्फीयर बना देता है, तो रेडियस आपकी अलग लोगे, इसकी रेडियस को हमने R1 कह दिया, इसकी रेडियस को हमने क्या कह दिया R2, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। तो यहीं पे हम लिख सकते हैं लेट, लेट का मतलब माना, रेडियाई ऑफ स्फीयर हमने मान लिया, रेडियाई ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू हमने मान लिया R, और रेडियाई ऑफ हेमी स्फीयर, रेडियाई ऑफ हेमी स्फीयर जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा हमने मान लिया R2, ठीक, रेडियाई ऑफ स्फीयर R1 मान लिया, रेडियाई ऑफ हेमी स्फीयर हमने मान लिया R2,
ये आपको खुद मान लेना है, क्योंकि उसी चीज को हम काट के नहीं बना रहे भाई, अलग अलग है। कोई भी बड़ी चीज हो सकती है, छोटी चीज हो सकती है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दिस सेम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस ऑफ स्पीयर का फार्मूला होता है कितना आपका, 4πr2। तो यह r की जगह क्या हो जाएगा, r1, और इसका TSA जो होता है वो क्या होता है, 3πr2। तो ये कितना हो जाएगा, r2। और हमें लाना क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो लाना। ये ध्यान देना है आपको, सबसे बड़ी चीज आपको क्या दे रखा है, क्या लाना है, अगर ये चीज आपको पता है तो आपका आंसर आ गया। वॉल्यूम का रेशियो लाना है तो इसका फार्मूला होता है 4π r³। आर कौन से बेटा, r1। और हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2π r³, लेकिन ये कौन सा r2। तो ये चीज आपको दिमाग में रहनी है, तो मतलब r1 और r2 की वैल्यू हमको पता लग जाए या उसका रेशियो पता लग जाए। हमको पता क्या है, अब इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, 4πr² / 3πr² पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इसको हम रख देंगे r1/r² 3/4। तो r1/r² हो जाएगा √3/4। तो r1/r² देखिए, √3 का तो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा नहीं, स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये √3 हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकल गया कितना आ गया, 2। तो r1/r² जो आया है √3/2, इतना क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लानी है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा v1/v2 = 4/3। इसको हम रिसिप्रोकल कर देंगे 2/3, और इसको लिख देंगे r1/r² कितनी, 3, क्योंकि क्यूब ऊपर भी है नीचे भी क्यूब है। क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई कर दिया, हमने रिसिप्रोकल किया, रिसिप्रोकल जब करेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा और 2, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो v1/v2 = r1/r2 की यहाँ से वैल्यू पुट कर दी हमने, 2 हो गया, ये आपका हो गया √3/2³। हमें सिंप्लीफाई करना है, बस आपको याद रखना है v1/v2 √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा √3 × √3 × √3, इसका मतलब 2 × 2 × 2, 1 2 से ये सॉल्व हो गया। v1/v2 = √3 का जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4। तो v1/v2 की जो आंसर आपका आंसर आया वो ये चीज़ है, अब इसको लिख देंगे, तो v1/v2 = आपका आया 3√3 ratio of 4। ये चीज आपको समझ में आई, अब फिर से क्वेश्चन इसको समझ लिया, आप क्या कह रहे हैं, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर हैव द सेम टोटल सरफेस एरिया, एक गोला है और एक अर्ध गोला है, इन दोनों का TSA मतलब संपूर्ण पृष्ठ जो है वो बराबर है, संपूर्ण पृष्ठ आपको क्या बराबर है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम, उन दोनों के आयतनों का अनुपात याद करना है, किसका बेटा, आयतनों का अनुपात, क्योंकि वॉल्यूम्स को हम कहते हैं आयतन। ये चीज आपकी क्लियर हो गई, फिर से क्वेश्चन, रेड द रेडियाई ऑफ स्फीयर हमने r1 मान लिया, रेडियाई ऑफ हेमिस्फीयर हमने मान लिया r2, दोनों का टोटल सरफेस एरिया बराबर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया फार्मूला होता है 4πr², और इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 3πr² हमने निकाल लिया। अब दोनों का वॉल्यूम का रेशियो लाना है तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, अगर समझ में अच्छा रहा है तो आपको हमारे YouTube चैनल पर जो कमेंट्स है कमेंट्स बॉक्स में समझाइए, क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है बेटा। अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर्स बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।